अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पर क्या हाल है सब? यार मार्वल के व्हाट इफ के सीजन 2 के एपिसोड 2 का रिव्यू करने वाला हूँ, जहाँ इस एपिसोड का जो नाम है वो असल में है व्हाट इफ पीटर क्विल फॉट विद अर्थ माइटी सीरियस। मतलब कि क्या हुआ अगर हमारे पास जो पीटर क्विल है वो अर्थ के माइटी सीरियस के साथ लड़ाई करें। जहाँ इस एपिसोड के स्टार्ट में जो स्टार्टिंग में एनिमेशन है वो मुझे बहुत स्पेशल लगी। उसके बाद अगर तुम सकते हो स्टार्ट नहीं इसके हुक के लिए तक, जब हमें वॉचर के थ्रू जब हमें वॉचर उसकी बैक स्टोरी या उसके बारे में थोड़ा सा रिवील करता है, उसका नाम रिवील करता है और एक थोड़ा सा सिनॉप्सिस देता है, तुम कहते हो एक दबदबा क्रिएट हो जाता है। उसके बाद उसकी बैक स्टोरी पता चलती है कि वो अपने बाप के साथ ग्रोन अप हुआ, बड़ा हुआ और इसी वजह से वो विद टाइम साथ करप्ट होता गया। हमें किंग तचाका भी नजर आता है क्योंकि कहानी पुराने टाइम के एवेंजर्स की, ओजी एवेंजर्स के ऊपर कहानी चल रही है। हमें इसमें किंग तचाका भी नजर आता है और वो पुरानी शील्ड ऑफिस भी नजर आता है जिसमें हमारे पास जो कैप्टन कार्टर भी नजर आती है। तुम ये कह सकते हो हमारे पास जो पीटर क्विल है वो एक ईवल करप्टेड कैरेक्टर बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग कहीं ना कहीं हमारे पास उसके फादर ईगो ने करी, तो पीटर क्विल असल में हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके फादर ईगो की वजह से। उसके बाद तुम कह सकते हो हमारे पास जो ईगो है वो अर्थ पर आता है क्यों? अपने बेटे को ढूंढने के लिए, और इस चक्कर में वो एवेंजर्स से लड़ाई करता है। उस टाइम के जो एवेंजर्स थे थॉर की अपीयरेंस थी वो काफ़ी स्पेशल लगी। पीटर क्विल है वो अपने बाप से नफरत करना शुरू कर रहा होता है। उसकी खास वजह ये पीटर क्विल की माँ को मारने वाला असल में उसका खुद का बाप जो कि ईगो था। पीटर क्विल की लाइफ को ख़राब करने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो उसके बाप ईगो का है। जहाँ एक आध बात और बताऊँ हमारे पास वो ये है कि इस एपिसोड के अंदर तुम कह सकते हो इस एपिसोड 1 से ज़्यादा अच्छी मुझे ये वाली एपिसोड लगी। क्यों? क्योंकि कलरफुल है। एपिसोड 1 ने भी इंटरेस्टिंग टॉपिक को रखा था, तुम कहते हो हाँ ब्लेड रनर जैसी वाइब आ रही है, डिस्टोपियन वाले सिनॉप्सिस को लेकर चल रही थी, लेकिन ये वाली जो है एक अलग स्टोरी को लेकर चल रही है। ये कलरफुल है, इंटरेस्टिंग है और फास्ट पेस इसमें कहानी चल रही है, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ चल रहा होता है, जो कि तुम कह सकते हो वो सब देखने में मज़ा आता है। इसे बताऊँ स्लो नहीं है, जो कि तुम कह सकते हो जो कहानी जल्दी पिक कर लेती है, जो काफ़ी मुझे पसंद आया। और एक चीज़ ये एंडिंग, वो जो एवेंजर्स हमारे पास 90s के या उस टाइम के जो एवेंजर्स थे वो जब असेंबल हो जाते हैं, जिसमें पुराने टाइम का वो हावर स्टार्क है और हैंक पेम है, वो सारे एवेंजर्स जब एक साथ हो जाते हैं तो एंडिंग में जो हमें एवेंजर्स वाला ओजी म्यूजिक सुनने को मिलता है जो हम मूवीज से सुनते हैं, वो जब यहाँ सुनने को मिलता है वो काफ़ी स्पेशल लगा, पर्सनल महसूस हुआ। और एपिसोड ख़त्म हो जाती है, अराउंड ड्यूरेशन इसकी 30 मिनट 29 मिनट के आसपास की, और इस एपिसोड के अंदर कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है। ये तो सब कुछ तुम्हें कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस जैसी वीडियोस देखनी चैनल को मारो सब्सक्राइब। मुझसे बस नहीं मिलने, मैं यहाँ मिल जाऊँगा, तब तक देखते रहो। मसूस पीस, अल्लाह हाफिज़।